हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लेके आई हूँ एक और नया अमेजिंग फ्लेवर, ये है रबड़ी कुल्फ़ी। हमने रबड़ी, मैंने जो आपके साथ पहले वीडियो शेयर किया था ना, वही रबड़ी है, और उसको हमने एक डिफरेंट स्टाइल में लॉलीपॉप बना के इसके तैयार किए हैं। देखने में इतने सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि इसको देखते ही बच्चे अपने आप को खाने से रोक नहीं पाएंगे। आप बच्चों को इस तरह से ना अमेजिंग अमेजिंग सी आइसक्रीम बना के दीजिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। ये देखिए, मैंने इस तरह से आपके साथ पहले ये वाली वीडियो शेयर की थी। अगर आपने ना देखी हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने फुल फैट दूध लिया है। यहाँ मैंने बफेलो मिल्क के 2 पैकेट लिए हैं, हाफ हाफ लीटर के। आप चाहो तो कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो। यहाँ फुल क्रीम दूध ही यूज़ करना है। तो एक बर्तन में हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, दोनों ही पैकेट को, और इसको अब हम गैस पे साइड में बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो तब जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कौन सी कंट्री या सिटी से देख रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से दूध को बीच बीच में हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये तले में जाके चिपके ना। तो आगे की तैयारी कर लेते हैं तब तक। तो यहाँ मैंने लिया है 2 ब्रेड स्लाइस। मेरे पास आटा ब्रेड होती है तो मैंने वही यूज़ की है। आप चाहो तो यहाँ पे वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो। तो दोनों को मैंने ब्लेंडिंग जार में डाल लिया है, अच्छे से हमने इसको क्रश कर लिया है। तो ये हमारा ब्रेड का क्रम बनके हो गया है तैयार। इसको हम साइड में रख देंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट को भी पीस के हल्का दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। थोड़े से मैंने बादाम, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से काजू लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट टोटली ऑप्शनल है, आप जो कम ज़्यादा करना चाहो वो कर सकते हो। इनको दरदरा सा मैंने पीस के ले लिया है, इसको भी हम साइड में रख देंगे। और थोड़ी सी मैंने बादाम और पिस्ता की कतरन ना अलग से बचा ली है ऊपर से गार्निश करने के लिए। ये देखिए, थोड़ी सी बचाई है मैंने। तो इन सबको साइड में रख देते हैं। चलिए अपने दूध की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध अलग निकाल लिया एक बर्तन में, और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 पैकेट मिल्क पाउडर। तो ये 10-10 रुपए वाले जो मदर डेयरी के डेयरी वाइटनर आते हैं ना, वही मैंने यूज़ किया है। आप चाहो कोई से भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, बस हाफ कप इसमें मिल्क पाउडर डालना है। अब ये मिल्क पाउडर वाला जो घोल है उसको हम अपने सारे दूध में डाल लेंगे और इसको चलाते रहेंगे। चलाते चलाते ही हमें इसे कुक कर लेना है। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है मिल्क पाउडर। अब जो हमने ब्रेड क्रम बना के रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे और इनको चलाते हुए धीमी धीमी आंच पे लगातार पकाते रहेंगे। और जब तक ये गाढ़ी कंसिस्टेंसी पर नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे कुक करना है। इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे ना तो ब्रेड अच्छे से दूध में घुल मिल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें ब्रेड का यूज़ किया है। साथ ही मैंने 1/2 छोटा चम्मच इसमें हरी इलायची का पाउडर डाला है। रबड़ी में इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साथ ही जो हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रखा था वो भी इसमें डाल लिया है ताकि ये भी दूध के साथ अच्छे से घुल मिल जाए और फूल ना हो तो फूल भी जाए और अच्छे से इसका फ्लेवर सारे दूध में मिक्स हो जाए। तो लगातार चलाते हुए हमें इसे कुक करना है। अब यहाँ मैंने लिया है 1/2 कटोरी देसी खांड। तो आप चाहो तो इसकी जगह चीनी का यूज़ भी कर सकते हो या फिर धागे वाली मिश्री का यूज़ भी कर सकते हो। तो लेकिन मैंने यहाँ पे आज अपनी रबड़ी को हेल्दी वे में बनाया है तो इसलिए मैंने यहाँ देसी खांड यूज़ किया है। मैं जनरली अपनी सारी स्वीट्स में देसी खांड ही यूज़ करती हूँ। अब ये वाला स्टेप टोटली ऑप्शनल है। थोड़े से दूध में 1 छोटा चम्मच हम कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। इस तरह से विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक भी गांठे इसमें नहीं रहनी चाहिए। और इस वाले घोल को अब हम अपने रबड़ी वाले दूध में डाल लेंगे। तो ये बेसिकली रबड़ी को जल्दी से गाढ़ा करने के लिए मैंने यूज़ किया है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो और लो टू मीडियम फ्लेम पे अपनी रबड़ी को लगातार चलाते हुए ऐसे भी गाढ़ा कर सकते हो तब तक कि दूध की क्वांटिटी 1/3 नहीं हो जाती। तब तक हम इसे कुक कर लेंगे तो वो गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए, अभी थोड़ा पतला लग रहा है लेकिन जैसे जैसे कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर होगा और कॉर्नफ्लोर पक जाएगा उसके बाद हमारी रबड़ी में बहुत अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी।
तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो बिना कॉर्नफ्लोर के भी अपने दूध को गाढ़ा कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ इंस्टेंट रबड़ी बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। और ये देखिए, मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा रही है स्पैचुला पे, अच्छे से लाइन ड्रॉ हो रही है और आपस में मिक्स भी नहीं हो रही है। इसका मतलब हमारी रबड़ी का बैटर बनके हो गया है तैयार। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। इतनी ही थिकनेस तक हमें इसे कुक करना था, इससे ज़्यादा अगर हम इसे कुक करेंगे तो ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इसी स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें इसे फ्रिज में रखेंगे। और ये देखिए, मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है हमारी रबड़ी, बहुत अच्छी सी थिकनेस आई है। चलिए अब हम अपनी कुल्फ़ी को सेट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आइस की ट्रे ले ली है, तो अब हम इसमें ना इसकी हर कैविटी में थोड़ी थोड़ी बादाम की कतरन डाल देंगे। आप चाहो तो इसकी तरह पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ सारी कैविटी में डाल ली है। अब वन बाय वन जो हमने ये कुल्फ़ी का बैटर बना के रखा है ना, एक स्पून की हेल्प से वो डाल लेंगे इसमें। सारी कैविटी में अच्छे से फिल कर लेना है, एयर पॉकेट्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। और ये देखिए सारे अच्छे से फिल हो गए हैं। अच्छे से इसको टैप कर देंगे ताकि कोई जगह खाली ना रहे। अब इसको फॉइल पेपर से कवर करके 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 7 से 8 घंटे बाद ही हमें इसे चेक करना है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं छूना है। तो देखिए हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट होके तैयार है। इसको इस तरह से ना आइस ट्रे को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये इजीली निकल जाती है। अब एक टूथपिक लेंगे और उसमें इस तरह से लगाएंगे और ये हमारी कुल्फ़ी लॉलीपॉप बनके हो गई है तैयार। तो आज से पहले कभी आपने देखी होंगी कुल्फ़ी लॉलीपॉप, तो आप भी इसी तरह से और अट्रैक्टिव से और अमेजिंग से आइडियाज से आइसक्रीम को, कुल्फ़ी को सेट कर सकते हैं और अपने बच्चों को इम्प्रेस कर सकते हैं। एक बार आपके बच्चों ने ये खा ली ना, तो रोज़ आपसे यही खाने की डिमांड करेंगे। मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आया आइडिया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए हमारी तो कुल्फ़ी लॉलीपॉप बनके हो गई है तैयार। कुल्फ़ी आइसक्रीम कहिए या लॉलीपॉप, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप इसको काफ़ी अलग अलग स्टाइल में सेट कर सकते हो, ग्लास में, कंटेनर में, या फिर कुल्फ़ी मोल्ड में भी इसको सेट किया जा सकता है। तो ये देखिए मैं टेस्ट करके दिखा देती हूँ, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज़।